राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में अनेक व्यक्तियों को दीक्षित किया तथा इसके बाद वे कोसल देश के लिए चल दिए। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है आम्रपाली के उद्यान में। तथागत अपनी यात्रा के क्रम में कुछ समय बाद राजगृह से पाटलिपुत्र आए। उस समय मगध राज के मंत्री वर्षाकार लिच्छवियों को शांत करने के लिए एक दृढ़ दुर्ग बनवा रहे थे। तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धनराशि आ रही है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की। शीघ्र ही यह नगर विश्व का महत्वपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याति प्राप्त करेगा। तब मगधराज के मंत्री वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की। और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए। नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे, वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में आए और धर्म का उपदेश दिया। कुछ समय वहां रहकर नंदीग्राम गए। वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे। तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिए और सांत्वना दी। वहां वे एक रात रहे और फिर दूसरे दिन वैशाली नगरी के लिए प्रस्थान किया। वैशाली पहुंचकर उन्होंने उस समय की सर्वाधिक सुंदर स्त्री वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के उद्यान में निवास किया। जब आम्रपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में निवास कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई। उसने अलकतक, अंजन, अंगराग तथा आभूषणों को त्याग दिया। अत्यंत विनम्र भाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किए और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी। रूप और यौवन से संपन्न आम्रपाली वन देवी के समान अपने उद्यान में पहुंची और रथ से उतरकर पैदल ही उधर जाने लगी, जहां भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे थे। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते देखकर अपने शिष्यों को सावधान किया और कहा, देखो आम्रपाली यहीं आ रही है। तुम सब बोध की औषधि से अपने आप को संयमित रखना और ज्ञान में स्थिर रहना। तुम प्रज्ञा रूपी बाण और शक्ति रूपी धनुष धारण करो और स्मृति रूपी कवच पहनकर अपनी रक्षा करो।
जब तथागत अपने शिष्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे, तभी आम्रपाली हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गई। अपने उद्यान में एक वृक्ष के नीचे नेत्र बंद किए बैठे मुनि के दर्शन कर वो बहुत प्रसन्न हुई। श्रद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, फिर मुनि की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़कर वो उनके सामने बैठ गई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को उपदेश देते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा आशय पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारा चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त है, यही तुम्हारा सच्चा धन है। क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है। देखो, आयु यौवन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यु जीवन का नाश करती है, परंतु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। यद्यपि आम्रपाली नव युवती थी, फिर भी उसमें बुद्धि की गंभीरता और आशय की पवित्रता थी। इसीलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना। इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गई और उसे अपनी वृत्ति से घृणा होने लगी। वो तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया, हे देव, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है। हे साधु, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाभ के लिए मेरी भिक्षा स्वीकार करें, मेरे जीवन को सफल करें। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की सच्ची भक्ति भावना को जानकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी और जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।